कॉलेज से निकलता है एक फ्रेशर, वो कभी भी टेस्टिंग के लिए अप्रोच नहीं करता, राइट ये तो है, पता ही नहीं होता। सबसे पहला एम होता है डेवलपर बनना, राइट सही बोल रहा हूं। कॉलेज में उसने एसक्यूएल का एसक्यूएल भी नहीं पढ़ा ढंग से, सॉरी टू इंटरप्ट, और ऑटोमेशन के बिल्डअप के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होना बहुत जरूरी, राइट। और आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी जो है, जो पॉपुलर भी है, एंड यूजर ने निकाला है, मतलब इंस्टाग्राम मार्क जुकरबर्ग के टेस्टर नहीं निकाल पाया, वो एक एंड यूजर ने निकाल दिया, एंड वो प्रोफेशनल बंदा नहीं था, वो नॉर्मल एंड यूजर था, उसने मेल करी और ही गॉट सम रिवॉर्ड, तो वो चीज़ है। तो उस वक्त को रिवॉर्ड मिल गया, लेकिन उसके टेस्टर को जो सुननी पड़ी होगी वो मैं जानता हूँ बहुत सुननी पड़ी होगी, तो ये चीज़ है, थोड़ा प्रेशराइज होता है, डेडलाइंस वगैरह होती हैं, तो उस केस में काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है हमारी। और आज के टाइम में हमारी सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि जैसे ये बहुत बड़ा एग्जांपल है, उससे इंस्टाग्राम के एक कंपनी पे क्या सोशल इंपैक्ट पड़ा है आप इमेजिन कर सकते हो। अगर एक एंड यूजर बग निकालता है वो कंपनी को डायरेक्ट नहीं बताता, वो सोशल मीडिया पे डालता है। मेरे को भी वहीं से पता लगा, मतलब ठीक है, मतलब मैंने एक एज अ मीम का पेज था, क्या था, रैंडम पेज लिखा था, इस बंदे ने निकाला है, उस बंदे वो बंदा मेल भी करता है, मतलब हर जगह डाल देता है, तो वो बंदा भी फेमस हो गया, बट प्रॉब्लम तो कंपनी के टेस्टर को आई होगी जरूर कि भाई तू क्या कर रहा है, और इट इज अ मेजर बग, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, छोटी मोटी चीज़ तो कंपनी पर अपने टेस्टर को नहीं कहती, क्योंकि एट लास्ट टेस्टर भी ह्यूमन है, तो ह्यूमन एरर पॉसिबल है, बट ब्लंडर थोड़ा राइट। मैं कोशिश करता हूँ चैनल पे, जैसे अभी ऑलरेडी टेस्टिंग में काम कर रहे हैं, कि मैं डिफरेंट फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनको लेके आऊँ, उनका थॉट प्रोसेस जानूँ, एंड आई थिंक काफ़ी चीज़ें लोगों को पता चल रही होंगी थ्रू दिस वीडियो। अब एक और क्वेश्चन जो बहुत ही आई थिंक आप भी एग्री करोगे, जावा कितना इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, मैं काम की बात नहीं कर रहा। देखिए, अगर आप मैनुअल टेस्टिंग में आप जा रहे हो तो जावा आई थिंक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्टार्टिंग टाइम पे, स्टार्टिंग टाइम में। अगर आप इनिशियली, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक वन ईयर मैनुअल टेस्टिंग को दो, वन ईयर, लेकिन आप उस वन ईयर में अपने ऑटोमेशन के बिल्डअप की भी तैयारी करो, और ऑटोमेशन के बिल्डअप के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी, राइट। और आज की डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी जो है, जो पॉपुलर भी है, वो है जावा एंड पाइथन। पाइथन पिछले कुछ ईयर्स में बिल्कुल बहुत ही अलग ही ग्रो करा है पाइथन ने मार्केट में, ओके। लेकिन जो जावा है वो बेसिकली जितने भी हमारे ऑटोमेटेड टूल है, लाइक हमारा सिलेनियम ओपन सोर्स टूल है हमारा, राइट, बहुत ही ईजी है सिलेनियम को और सिलेनियम के थ्रू ऑटोमेट करना अगर आपको जावा आती है, राइट। और सिलेनियम इज़ द बेस्ट टूल अगर आपको मैनुअल से ऑटोमेशन की फील्ड में जाना है, आपको इनिशियली सिलेनियम आना चाहिए, बिकॉज वो एक फ्रंट एंड टूल है, आप फ्रंट एंड पे काम करो, बैक एंड पे आप बाद में जाना। एग्री करोगे आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल एग्री करूँगा, क्योंकि जनरली अगर आप देखो कि किसी भी कंपनी ने, जैसे किसी भी साइट्स पे देखो, लिंक्डइन पे या किसी भी कंपनी से डाला होता है, तो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि बेसिक जावा और सिलेनियम आपको आनी चाहिए। उसके बाद उनके अलग अलग इंटरफेसेस होते हैं, डिपेंड करता है उनका प्रोडक्ट क्या है, उनकी सर्विस क्या है, उसके बेसिस पे आपको अलग अलग पार्ट्स को सिखाते भी हैं और उसमें आपको ट्रेन भी करते हैं, क्योंकि आती हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जावा में काम करते हो, ठीक है, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब आप एक लैंग्वेज पे आज काम कर रहे हो जावा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, कल को आपकी कंपनी बोलेगी तूने ये प्रोजेक्ट करना है एंड द लैंग्वेज इज पाइथन या एक्स वाई जेड लैंग्वेज जो नई मार्केट में आ जाती है, आप रिलेट कर जाओ, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको इंटरफेस चाहिए। ये केस ऑटोमेशन में भी है, क्योंकि कुछ कोड आपको लिखने पड़ेंगे आपको ऑटोमेट करने के लिए चीज, ठीक है, उसको इंस्ट्रक्ट करने के लिए हम कोड ही लिखेंगे, तो वही चीज है। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा इसमें, कि जैसे लोग क्वेरीज डालते हैं मेरे पास कि ये ज़रूरी है या वो ज़रूरी है, तो जैसे अभय ने बोला, मैनुअल टेस्टिंग के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई कोड लैंग्वेज आती हो, हाँ, बट अगर आपका विजन है आगे कि मुझे एक मैनुअल में हूँ, आगे ऑटोमेशन में जाना है, अगर नहीं जाना है तो फिर तो आप जैसे आपको ठीक लगे, बट अगर जाना है तो हाँ, डेफिनेटली आपको बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे अपने, क्योंकि आप छोड़ दोगे फिर दोबारा करने तो पड़ेंगे आपको। क्या कंपनी स्विच के लिए, अगर मैं कंपनी स्विच करता हूँ तो क्या इंटरव्यू लेवल पे क्या जावा मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जावा में? एब्सोल्युटली होना चाहिए। अगर आप किसी भी ऑटोमेशन के इंटरव्यू में जा रहे हो, आपका पहला राउंड में हमेशा जावा आएगा, चाहे आपने ऑटोमेशन ना भी की हो, आपने नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिपेंड करता है आप कौन से कंपनी के जेडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, ओके। लेकिन ऑटोमेशन के लिए मस्ट आपको एक प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आनी चाहिए, okay. और वो सबसे इजी इस वक्त पॉपुलर मार्केट में जावा है, ठीक है। आपको जितने मर्जी टूल आते हो,
आपसे पूछी सबसे पहले जावा जाएगी। ओके आपने टूल पे जितना मर्जी काम कराओ आपके जावा के कॉन्सेप्ट ही पूछे जाते हैं। अगर आपको अभी भी पिविनो की सीरीज प्रिंट करना नहीं आता प्राइम नंबर नहीं आता प्राइम नंबर तो आप स्ट्रगल करोगे आप स्ट्रगल करोगे। आपने फ्रेमवर्क जितना मर्जी बड़ा बना दियो ये तो है आपको ठीक है आपने बहुत एडवांस चीजें कर रखी हैं बट फंडामेंटल बेसिक तो पूछा ही जाएगा वो जरूरी भी है। आपने ऑटोमेशन चाहे किया है नहीं किया है आगे करोगे डजंट मैटर बट इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको जावा आना चाहिए। अगर आप अभी जैसा अभी ने कहा इट्स डिपेंड कि किस कंपनी में आप जा रहे हो उसके बारे में पढ़ के जाओगे ऐसा तो है नहीं बस चले जाओगे आंखें बंद करके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड क्या है कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कैसे मैं अपने आप को तैयार कर सकता हूँ ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक लास्ट क्वेश्चन दोनों से ही टेस्टिंग का स्तर कितना बदल गया है खाली टेस्टिंग मैंने देखो यार आम बंदे से पूछोगे टेस्ट ही तो करना है बट टेस्टिंग कितने लेवल पर जा चुकी है खाली वेबसाइट टेस्टिंग की बात नहीं कर रहा ऐप मोबाइल टेस्टिंग है मोबाइल में ऐप्स होती हैं उनकी भी टेस्टिंग होती है कौन सा टूल अब है मोबाइल के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। मोबाइल के लिए हमारा फ्रंट एंड के लिए APM यूज़ होता है APM ओके और बैक एंड के लिए हमारा रेस्ट एश्योर्ड APIs टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है वेब बेसिकली ऑटोमेट करने के लिए पूरा। और कोई रिसेंट प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस देना चाहोगे जो आपने किया हो कुछ अलग था टेस्टिंग का कोई डिवाइस यूज़ करके आपने टेस्ट किया हो। बेसिकली अभी तो मैं जैसे मैनुअल टेस्टिंग में ही हूँ और मैंने बहुत ही सारे प्रोजेक्ट्स करे हैं फ्रंट एंड से ही और हमारी वेबसाइट्स पे मैंने टेस्ट करा है और जो हमारे मोबाइल डिवाइसेस पे उनकी कंपैटिबिलिटी चेक करी है जो बेसिकली हमारा मैनुअल में फंक्शनैलिटी और लेआउट का पार्ट रहता है वो बेसिकली मैंने टेस्ट करा है। ओके और बेसिकली हमारी कोई ना कोई ऐप होती है जो हम डेवलप करते हैं सपोर्ट करने के लिए हमने ऐप की भी टेस्टिंग करी है। तो ये यहाँ से बात समझ आती है कि टेस्टिंग का जो लेवल है वो नहीं है जो पहले था काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं और जतिन आई थिंक आपने भी काफ़ी लाइक वेबसाइट टेस्टिंग को अगर छोड़ दें इसके अलावा आपने भी काफ़ी सारी टेस्टिंग अलग अलग उसमें की होंगी प्रोजेक्ट के हिसाब से जैसे अभी ने बोला ऐप जैसे कोई एप्लीकेशन होती है मतलब ये भी टेस्टिंग होती है कोई भी एक साइट आप बनाते हो आप उसको वेब पे भी चला के देखते हो ऐप पे भी चला के देखते हो टैबलेट पे भी चला के देखते हो तो ये सब चीज़ें हमारे को कंपैटिबिलिटी चेक करनी होती है। हाँ मैं मैनुअल टेस्टिंग में हूँ तो उस पर हमारा फ्रंट एंड टेस्टिंग ही हो पाती है दैट टू इन अ मैनुअल मैनर ठीक है ना वो है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसको अगर ऑटोमेट करना है तो आपका आप ये ऑटोमेट करोगे कि आपको पता लग जाए एक बारी में कि ये एक मैकबुक पे कैसे चलेगा एक विंडोज पे कैसे चलेगा और अपना टैब पे फोन पे या XYZ फोन पे कैसे चलेगा ये चीज एक बार में पता लगती है तो ये ऑटोमेटेड है अगर आपको खुद करनी पड़ती है तो ये मैनुअल। राइट बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। वीडियो को बस वाइंड अप करते हैं। ये जतिन और अभय इनका एक्सपीरियंस तीन साल का हो गया है। इनका इंस्टाग्राम हैंडल आप देख रहे हो इन्हें आप मैसेज कर सकते हो। इनसे एक और चीज़ पूछते हैं लास्ट एडवाइस अगर जतिन किसी फ्रेशर को देनी हो। सबसे पहले मेरी एडवाइस ये है कि डू नॉट हरी ओके वेट करो ठीक है आपने जो आप पहले अपना पहले माइंड सेटअप कर लो कि आपने टेस्टिंग में जाना है या आपने डेवलपमेंट में जाना है। आप कन्फ्यूज हो कोई बात नहीं आप इंटरव्यूज दो आपको पता लग जाएगा कि क्या करना है। पैसा कमाना दोनों में आसान नहीं है और अगर देखा जाए तो दोनों में आसान है वो आपकी थॉट प्रोसेस के ऊपर है ठीक है ना। दूसरी चीज़ मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा मेरे पास क्वेरीज आई हैं जैसे कई कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है कुछ है तो ये बात सही है वो इसमें आ सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर के पास भी दोनों ऑप्शन है आप डेवलपमेंट में जाना चाहो या टेस्टिंग में जाना चाहो राइट और क्वेरीज मेरे पास आती हैं कि हमें कोई कोर्स करने की जरूरत है नहीं। सबसे ज़्यादा आपको पता है ये बिजनेस चल रहा है मार्केट में कोर्स का कि हम टेस्टिंग कराते हैं जी ठीक है ना। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कोर्स करना ही करना है अगर आप इतने एफिशिएंट हो क्योंकि आप हर बंदे को आज की डेट में google.com चलाना आता है राइट उस पे दुनिया भर की चीजें ये तो है। आप सर्च करो थोड़ा देखो अपने फ्रेंड से पूछो अपने कलीग से पूछो हम भी हमारे पास भी क्वेरीज आती है तो हम वो भी आंसर कर देते हैं थोड़ा उसके लिए है जरूरी नहीं है आपको कोर्स करना जरूरी है नहीं भी करोगे तो भी चलेगा करोगे तो आपकी मर्जी वो तो खैर अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है किसी को रोक तो नहीं सकते बट इट इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट टू हैव अ कोर्स बिफोर गेटिंग अ जॉब। ये नहीं कि कोर्स के बिना जॉब नहीं बिल्कुल बिल्कुल हमने भी कोई कोर्स नहीं किया मैंने देखा है आप लोगों का काम मैंने देखा भी है कोर्स नहीं किया था मैंने भी कोर्स नहीं किया ये चीज़ है। अभी लास्ट आपके हिसाब से किसी फ्रेशर को एडवाइस करना हो कि कैसे वो जा सकता है टेस्टिंग में और जैसे जतिन ने कहा आपका क्या पॉइंट है इसमें। बेसिकली मैं बिल्कुल ऑनेस्ट होके बोलूँगा कभी भी बीइंग एन जब मैं कॉलेज से निकलता एक फ्रेशर वो कभी भी टेस्टिंग के लिए अप्रोच नहीं करता राइट ये तो है पता ही नहीं होता सबसे पहला एम होता है डेवलपर बनना राइट सही बोल रहा कॉलेज में उसने SQL भी नहीं पढ़ा ढंग से सॉरी टू इंटरप्ट एक ये भी माइंडसेट होता है
कि डेवलपर ही पैसा कमाता है, पैसा ही डेवलपमेंट में है। टेस्टिंग की आधे लोगों को पता ही नहीं, टेस्टिंग में कोई फील्ड है, आधे लोगों को पता ही नहीं होता। बेसिकली टेस्टिंग में लोग सेकंड एज एन सेकंड चॉइस जाते हैं, उनके पास कोई चॉइस नहीं बचती तब जाते हैं। लेकिन आज की मार्केट में टेस्टिंग ने इतना ग्रो करा है कि मैनुअल टेस्टिंग तो एक अलग लेवल पे है ही, ऑटोमेशन टेस्टिंग इस वक्त एक फील्ड, एक पोजीशन है एज डेट, ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियरिंग इन टेस्ट, ओके ओके। सो अगर आपको इस चीज से मोटिवेशन मिलती है पैसों से, तो एज डेट आज की डेट में एक डेवलपर के बराबर कमाता है या फिर डेवलपर से ज्यादा कमाता है। ओके ओके। आप नॉर्मल गूगल कर सकते हो एज डेट, लेकिन एज डेट ये नहीं है कि हमने फ्रेशर एज अ फ्रेशर एज डेट लग गए, मतलब आफ्टर गेनिंग सम एक्सपीरियंस देन एज डेट के लिए आपको ऑटोमेशन आनी चाहिए और अगेन भाई फिर घूम फिर के भाई बात आ जाएगी। राइट राइट। रिक्वायरमेंट ये है आपको बीइंग अ पहले मैनुअल टेस्टर, आपको बेसिक जो टेस्ट केसेस और टेस्ट प्लान का खेल होता है वो आपको स्टार्टिंग में आ जाना चाहिए। देखो उसके बाद आप ऑटोमेट करोगे, टूल्स आएंगे बहुत सारे और बहुत सारी चीजें हैं, आप जब इस पाथ पे चलोगे ना आप तो अपने चलते चले जाओगे। ये पता है क्या है, मैं समझ रहा हूँ दोनों कनेक्ट कर पा रहा हूँ, आप एक्सपीरियंस लो, चीज़ें समझो, वो नॉलेज को अप्लाई करो आने वाले इंटरव्यूज़ में, वो सब चीज़ें आपको काम आएंगी फर्दर जैसे जैसे आप मूव ऑन करोगे। माइट बी इनका ही एक्सपीरियंस है, किसी और टेस्टर का अलग हो, उसका थॉट प्रोसेस अलग हो। बट थैंक यू सो मच जतिन, आप हमारे चैनल पे आए, हमेशा अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। बट मैं सोचता हूँ कि मैं इनके साथ बात कर रहा हूँ तो आई थिंक जो इनके पास नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, वो लोगों तक भी जाना चाहिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई थिंक आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला होगा इस वीडियो में। कोशिश करता रहता हूँ ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ, एंड मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स टू अपूर्व यादव जिनके आज स्टूडियो पे हम आए हैं, एवाई स्टूडियो। एंड तभी आज मैं अपने घर पे नहीं हूँ, आज मैं अपने फ्रेंड के स्टूडियो में आया हूँ, तो मुझे ये दोनों यहाँ पे मिल गए। मैंने कहा पकड़ो यार कंटेंट बनाते हैं इनके साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस, मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। टिल देन ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय एंड जय हिंद। ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द बेस्ट।